दुर्ग निगम के महापौर कक्ष में एमआईसी की हुई बैठक, जिसमें दो एजेंडों पर हुई चर्चा पर विभाग द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र के 161 पात्र हितग्राहियों की सूची को एमआईसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दुर्ग नगर निगम के एमआईसी की बैठक गुरुवार को महापौर कक्ष में महापौर धीरज बाकलीवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में दो एजेंडों पर चर्चा हुई। चर्चा के उपरांत उक्त प्रकरणों की अनुशंसा कर अनुमोदन हेतु आगामी होने वाले सामान्य सभा की बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। वहीं विभाग द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र के 161 पात्र हितग्राहियों की सूची को एमआईसी के समक्ष प्रस्तुत की गई। चर्चा के उपरांत उक्त प्रकरणों की अनुशंसा करते हुए अनुमोदन हेतु सामान्य सभा की आगामी बैठक में भेजे जाने का निर्णय लिया गया। एक अन्य प्रकरण बस स्टैंड स्थित रैन बसेरा के संबंध में थी, जिसे धनश्री महिला स्व सहायता समूह को संचालन हेतु प्रदान करने पर सहमति बनी, जिसे आगामी सामान्य सभा की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में प्रभारी निगम आयुक्त आशीष देवांगन, सभापति राजेश यादव व एमआईसी के सदस्य मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।